टेंथ क्लास के इम्परेटिव सेंटेंस पार्ट दो पढ़ेंगे। पहले हमने पार्ट एक पढ़ लिया है और जिन वाक्यों में ऑर्डर यानी आदेश का बोध होता है उन वाक्यों का पैसिव वर्ब हम दो प्रकार के बनाते हैं। तो हमने लेट से तो बनाना पहले पार्ट में देख लिया, आज हम सीखेंगे बेटा इसको यू आर ऑर्डर टू से किस प्रकार बनाया जाता है। तो एक बार मैं तुम्हें फिर समझा दूं, जिन वाक्यों में आदेश ऑर्डर यानी कि ऑर्डर का बोध होता है उनका पैसिव वॉइस लेट और यू आर ऑर्डर टू से बनाया जाता है। लेट से बेटा हमने पहले पार्ट में अच्छी तरह से समझ लिया है, आज हम दूसरे पार्ट में बेटा यू आर ऑर्डर टू से कैसे बनाया जाता है। तो ये पैसिव वॉइस और इंपरेटिव सेंटेंस का पार्ट दो है। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लेट वाला भी स्ट्रक्चर लिख रखा है। लेट में अगर नॉट दे रखी हो यानी डोंट आया हो ऑर्डर के साथ में, तो वहाँ पे नॉट ऑब्जेक्ट तुरंत बाद लगाते हैं, फिर उसके बाद बी, फिर बी थ्री प्लस ओ एल डब्ल्यू। ये वाला मैंने पैसे पहले पार्ट में समझा दिया, आराम से आप पहले पार्ट में समझ सकते हो। आज हम बेटा यहाँ दूसरे तरीका से बनाना सीखेंगे इसको, यू आर ऑर्डर टू से किस प्रकार पैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर इसको पैसे जब किसी वाक्य में आदेश का बोध होता है तो ऐसे वाक्यों का पैसे बेटा हम यू आर ऑर्डर टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यू से भी शुरू कर सकते हैं, अर्थात इस प्रकार हम बना सकते हैं। तो देखो बेटा कुछ एग्जांपल है, बहुत ही आसान है, एक बार तुम ध्यान से देखोगे तो अच्छी तरह समझ जाओगे। तो देखो यहाँ पर बेटा ये पहला एग्जाम्पल है हमारे पास एक्टिव का, पोस्ट दिस लेटर, इस पत्र को पोस्ट करो। जब इसका पैसे बनाए तो बेटा इसमें एक आदेश का बोध हो रहा है, किसी से आदेश दिया जा रहा है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे बेटा, यहाँ तक इसको उतार देंगे, यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर्ड टू। यहाँ से बेटा पूरा जीवों का क्यों उठाना है आपको, जो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं ना, इसलिए यहीं से पोस्ट दिस दिस लेटर में यहाँ नीचे लिख देता हूँ दिस लेटर, ठीक है बेटा। तो इसका कैसे कैसे बना, यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट दिस लेटर। बेटा ये हमेशा जो हमारे ऑर्डर वाले वाक्य होते हैं मुख्य कहने का मतलब जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं ये मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। दूसरा वाला वाक्य देखो बेटा, स्विच ऑफ द लाइट एट वंस, इसकी जो हिंदी होगी वो ये होगी, तुम्हें आदेश दिया गया यानी तुम्हें ऑर्डर किया गया कि इस पत्र को पोस्टेड कर दो। अब बेटा ये स्विच ऑफ द लाइट एट वंस, इसकी हिंदी होगी बेटा लाइट बंद कर दो, मतलब एक ही बार में। तो इसका मतलब बेटा ये क्या, देखो हम इसका बनाने इसमें भी एक ऑर्डर है, यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर टू, ठीक है, यू आर ऑर्डर टू यहाँ से, और इसको बेटा सेम उतार दो, स्विच ऑफ, यहाँ से नीचे लिखता हूँ बेटा, स्विच ऑफ द लाइट एट, बस थोड़ा है तो सही, ठीक है बेटा इस प्रकार। तो दूसरा वाक्य बेटा हम इसी प्रकार बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द लाइट एट वंस, ठीक है बेटा। तीसरा एग्जांपल और समझते हैं ताकि और बेहतर आप समझ जाओ। ये बेटा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या है ये ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब एक ग्लास पानी लाओ। अब इसका भी बेटा इसमें भी एक आदेश है, तो हम करेंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है बेटा पूरा इसके से उतार दो, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, नीचे लिख रहा हूं मैं अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है बेटा। तो तीन एग्जांपल बेटा मैंने समझाए, ठीक है, और एक बार फिर सुन लो बेटा, जिनमें आदेश का बोध होता है बेटा उन वाक्यों को हम दो प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छा लगे उससे आप बनाओ, ठीक है, दोनों विधि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं होता बेटा इसमें, बस यू आर ऑर्डर टू लगाकर इसके बाद पूरा वाक्य जो का क्यों लिख दू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तीन वाक्य बेटा यहाँ पे मैंने पहला समझा आपको, दूसरा समझा, तीसरा समझा, ऐसे स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आप समझ सकते हो, एक बार आप सीख जाओगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे, बहुत ही आसान है बेटा इनका पैसिव वर्ब्स बनाना दोनों का, ठीक है, किनका, जिनमें वाक्यों में इंपरेटिव ऑर्डर का बोध होता है, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, आगे और समझते हैं नेगेटिव वाले वाक्य, ठीक है बता दिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, तो देखो हमने बेटा इसके यू आर ऑर्डर टू से जो इंपरेटिव सेंटेंस थे इसके हमने देखे बिना नेगेटिव नहीं थे बेटा, अब इसका नेगेटिव हम सीख रहे हैं वो किस प्रकार बनाया जाएंगे। अगर
बात के हमारा बेटा डोंट या डू नॉट से शुरू होगा ना, तो हम इसका पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले बेटा इसके कुछ नोट्स हैं वो रूल में बता दूँ आपको। यदि इंपरेटिव सेंटेंस यानी जिसमें ऑर्डर हो, क्योंकि हम ऑर्डर वाली पढ़ रहे हैं बेटा, जो डोंट या डू नॉट से शुरू होते हैं, तो बेटा जब भी पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो किस प्रकार बनाए, सबसे पहले रूल नंबर एक है डोंट या डू नॉट को हटा देते हैं। नंबर दो बेटा यू आर ऑर्डर तक हम लिखते हैं, उसके बाद बेटा नॉट लगाते हैं, फिर उसके बाद टू लगाकर उस शेष वाक्य जो होता है उसको जो कहते हैं उतार देते हैं। स्ट्रक्चर बेटा इसका यू आर ऑर्डर तक हमने कहा था यहाँ तक लिख लेते हैं, इसके बाद प्लस, प्लस के बाद नॉट, नॉट के बाद टू, टू के बाद हम पी वन ऑब्जेक्ट प्लस अदरवर्ड, ठीक है बेटा। इस प्रकार बेटा इसका नेगेटिव बनाया जाता है यू आर ऑर्डर वाले, लेट वाले और यू आर ऑर्डर वाले दोनों का। तो लेट वाले तो बेटा हमने पहले ही समझ ली थी उनका नेगेटिव किस प्रकार बनाया जाता है, लेकिन आदेश वाले वाक्य में जब यू आर ऑर्डर से हम बनाते हैं तो इनका नेगेटिव किस प्रकार बनाया जाता है। तो देखिए बेटा सबसे पहले मैंने क्या कहा रूल नंबर एक में कि ये वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस डोंट या डू नॉट से शुरू होते हैं, तो डोंट से शुरू हो रहे हैं ये तीनों वाक्य में, तो हम डोंट या डू नॉट को हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद बेटा स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो, सबसे पहले यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड तक हम लिख लिया, ठीक है बेटा। इसके बाद वाक्य हमारा कैसा है, ये नेगेटिव था तो हम ठीक है नॉट के बाद पहले बेटा हम टू लगाएंगे, ठीक है। टू के बाद बेटा फिर क्या लगाएंगे, इसके बाद बेटा देखो यू आर ऑर्डर तो हमने सेम लिखा, यू आर ऑर्डर था, इसके बाद बेटा नॉट लगाया, नॉट के बाद बेटा टू लगाया, इसके बाद देखो बेटा बी वन यहाँ से डोंट के जस्ट बाद बेटा, तो यहाँ से ज्यों का क्यों का खेल द वर्स, ठीक है बेटा खेल द वर्स। अब देखो बेटा थोड़ा सा सेकंड और समझो, इसमें शायद थोड़ा कम समझ आया, इसमें और अच्छे से आ जाएगा। तो वो ये बेटा डोंट या डू नॉट को हटा देते हैं, यानी ये वाक्य डोंट या डू नॉट शुरू होते हैं तो हम डोंट या डू नॉट को हटा देते हैं, क्या शुरू करते हैं बेटा यू आर ऑर्डर, ऑर्डर यू आर ऑर्डर यहाँ तक बेटा हम उतार लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव होता है तो पहले नॉट लगाते हैं, नॉट से बनाते हैं बेटा, नॉट के बाद बेटा टू लगाते हैं, देखो नॉट, नॉट के बाद टू, इसके बाद बेटा वी वन, और वी वन बेटा हमारी यहाँ से टच द, यहाँ टच द यू आर ऑर्डर नॉट टू टच द ने को सही इलेक्ट्रिक वायर, वायर। तो एक बार देखो पहले मैं थोड़ी चेंदी बता दूँ बेटा, डोंट किल द बर्ड्स पक्षियों को मत मारो, ठीक है। यहाँ जो डोंट होती है बेटा मत का सेंस देती है, यहाँ मत का देती है, तो इसको मनाते बेटा यू आर ऑर्डर नॉट टू किल द बर्ड्स, तुम्हें आदेश दिया गया है कि पक्षियों को नहीं मारो, ठीक है। दूसरा बेटा डोंट टच द इलेक्ट्रिक वायर, यानी इसका एंडियर था बेटा जो बिजली का तार है, ठीक है, उसे मत छुओ, तो तुम्हें आदेश दिया गया बेटा यू आर ऑर्डर नॉट टू टच द इलेक्ट्रिक वायर, तुम्हें आदेश दिया गया बिजली के तार को मत छुओ। तीसरा बेटा डोंट पुट आउट द कैंडल, इसकी जो हिंदी है वो होगी बेटा के मोमबत्ती को मत बुझाओ, ठीक है बेटा। इसके बाद अब बेटा वही इसका पहला रूल बेटा देखो, डोंट से या डू नॉट को हम हटा देते हैं, और यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है यू आर ऑर्डर, इसके बाद बेटा हम लगाएंगे नॉट, ठीक है नॉट के बाद लगाएंगे बेटा अपन टू, नॉट के बाद यहाँ पे टू है बेटा टू लगा देंगे, इसके बाद बेटा बी वन क्या है इसमें पुट आउट, यानी इसका अर्थ होता है मोमबत्ती मत हो जाओ, वो मोमबत्ती बुझाना पुट आउट द कैंडल, पुट आउट द कैंडल, कैंडल मीन्स मोमबत्ती, ठीक है। इस प्रकार बेटा तीनों के पैसे हमने बनाए, यहाँ पे बेटा अच्छी तरह समझ गए होंगे ये रूल है, क्योंकि अगर आप ध्यान से समझोगे तो आराम से समझ में आए, कुछ करना ही नहीं बेटा, बस इसमें बेटा नेगेटिव है वाक्य हमारा, ये डोंट या डू नॉट से शुरू हो रहा है, इसलिए इसे नॉट हटा देते, नॉट लगा देते हैं बेटा, नॉट के बाद हम जब टू का प्रयोग करते हैं बस, और बाकी सेम जो का उतार देते हैं, ठीक है बेटा। इस प्रकार अगर बेटा ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, थैंक यू।